हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप अप योर लाइफ। सेवन बेसिक कुकिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स पार्ट वन के बाद आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पार्ट टू। बहुत ही बेसिक बट इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो डेली लाइफ में हमारे काम को काफ़ी इजी कर देते हैं। बिगिनर्स जिन्हें कोई बताने वाला नहीं है उनके लिए टिप्स मैजिक का काम करेंगे। ऐसी प्री प्रिपरेशंस उनके डेली काम में उनकी टाइम कंजम्पशन को कम कर देगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट टिप, विच इज़ हाउ टू फ्रीज पीज। जैसे कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं कभी भी फ्रोज़न पीस बाय नहीं करती। हम लोग खुद ही मटर को छील के घर में ही फ्रीज़ करते हैं। फली से मटर अलग कर लेने के बाद उसे किसी मसलिन क्लॉथ में, जिसे हम मलमल का कपड़ा भी कहते हैं, उनमें डाल के उसकी एक पोटली बना लेंगे। और उस पोटली को हमने बॉयल वाटर में डालना है सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए। ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतने में ही वो सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसी तरह से इनको बॉयल होने देना है। तब तक हम चिल्ड वाटर रेडी कर लेते हैं। फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा पानी है ये। थोड़ा सा पानी एक बाउल में लिया है, साथ ही डाल दिए हैं कुछ आइस क्यूब्स। 2 मिनट के बाद इस पोटली को हमने निकालना है और इमीजिएटली हमने इसे चिल्ड वाटर में डाल देना है। अब 2 ही मिनट तक हम इसे चिल्ड वाटर में रखेंगे, इससे इनका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा और ये ओवर कुक भी नहीं होंगे। इसके बाद इनको एक छन्नी में निकाल लेना है। आप देख सकते हैं मटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। फ्रीज करने के लिए मटर हमें बिल्कुल हार्ड भी नहीं चाहिए और ना ही इन्हें ओवर कुक करें कि ये बहुत सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ी देर इन्हें छन्नी में रखें ताकि अगर एक्स्ट्रा वाटर हो तो वो निकल जाए। उसके बाद इसे किसी जिपलॉक बैग में डाल के आप फ्रीज कर सकते हैं। और इस तरह से फ्रीज किए हुए पीस आपके महीनों तक खराब नहीं होते हैं, आप जैसे चाहे इनका यूज कर सकते हैं। और पता नहीं, मुझे लगता है कि हमेशा मटर फ्रिज में फ्रीज किए हुए होने ही चाहिए ताकि जब चाहे आप इन्हें किसी मील या फिर स्नैक्स में यूज़ कर सकें। सेकेंड हम देखेंगे हाउ टू मेक पालक प्यूरी। पालक प्यूरी भी मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ, इसीलिए इसकी रिक्वेस्ट मुझे बार बार आती है कि कैसे बनाते हैं इसे, तो आज हम देखते हैं। तो पालक को साफ करना है, बेसिक फंडा है, हम सबको पता ही है। तो उसके रूट्स हमने निकाल देने हैं और साफ पत्ते हम लेंगे, बिल्कुल भी कोई येलो पत्ता या ख़राब पत्ता उसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने इसको वॉश करना है, एटलीस्ट 2 से 3 बार इसको हम साफ पानी से धोएंगे। समर्स के लिए पालक सीजनल वेजिटेबल नहीं है, लेकिन अगर आप शौकीन हैं पालक खाने के तो आप किसी भी सीजन में खाएंगे। उसके बाद एक पतीला लिया है मैंने, पानी उसमें बॉयल कर लिया है। उसके बाद सारी पालक हम उसमें डाल देंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको भी, हम 3 से 4 मिनट बॉयल होने देंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी एक विसल लगवा सकते हैं और वही प्रोसीजर रहेगा। इसके लिए भी चिल्ड वाटर लेंगे, हमने उसमें आइस डाल दिए हैं और इमीडिएटली पालक को गर्म पानी से निकाल के हमने चिल्ड वाटर में डाल देना है। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसकी प्यूरी रेडी कर लेंगे। अगर आपके पास प्यूरी कम है, आपको लगता है कि 1-2 दिन में आप यूज़ कर लेंगे, तो इसे डायरेक्ट आप ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं। फ्रीजर में स्टोर नहीं करेंगे, आप इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास प्यूरी ज़्यादा है, 1 वीक या 10 डेज तक आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, उसको फिर हम अच्छे से बॉयल करेंगे। और जिस बर्तन में मैंने बॉयल करना है उसी बर्तन में मैंने प्यूरी को डाल लिया है। 1 सर्विंग स्पून मैंने इसमें डाला है ऑयल, कोई भी रिफाइंड ऑयल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लिड लगा के ही हम इसे बॉयल करेंगे क्योंकि इसमें पानी होता है, तो इसके छींटे जो हैं वो सारे अराउंड आपके फैल जाएंगे और सब कुछ मैसी कर देंगे। 10 से 12 मिनट मीडियम फ्लेम पे आपको इसको अच्छे से पकाना है। इसका पानी लगभग सूख जाएगा और इसके ठंडा हो जाने के बाद किसी कंटेनर में फिल करके इसे 15 दिन तक आप आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। पालक पनीर, पालक आलू, पालक मशरूम, एग पालक, दाल पालक, प्लेन पालक, कैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो सबसे पहले गार्लिक को पील करने के लिए हमें गार्लिक को सोक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बहुत सारा गार्लिक आप पील कर पाएँ तो उन्हें ओवरनाइट के लिए आप सोक कर दें। साथ ही जिंजर को भी नाइफ के साथ आप पील कर लें। इक्वल क्वांटिटी रखते हैं हम जिंजर गार्लिक का जब पेस्ट बनाते हैं तो। और किसी मसलिन क्लॉथ पे उनको ड्राई होने देना है, मॉइस्चर उनका बिल्कुल सूख जाए। धूप में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप अंदर ही पंखे के नीचे थोड़ी देर तक उनको सूखने दे सकते हैं। कुछ गार्लिक मैं नॉर्मली इसी तरह से ग्लास जार में रख के फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी सारी रेसिपीज़ में आपको कटा हुआ गार्लिक डालने की ज़रूरत भी होती है। आपने उसका पेस्ट बनाना है तो जिंजर को आपने छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। जिंजर गार्लिक दोनों की इक्वल क्वांटिटी को हमने ग्राइंडर जार में डाल के बिना पानी के ग्राइंड करना है क्योंकि अगर आप पानी ऐड करेंगे तो ज़्यादा दिन तक इसे स्टोर नहीं कर पाएंगे। एक बार ग्राइंड करने के बाद स्पून के साथ थोड़ा सा इसे चला लें और दोबारा ग्राइंड करें। और जब आपको लगे कि पेस्ट रेडी होने वाला है तो उस कंडीशन में आप डालेंगे 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और एक बार फिर से इसे ग्राइंड करेंगे तो आपका पेस्ट रेडी हो जाएगा। और उसके बाद किसी ड्राई ग्लास जार में इसे स्टोर करके आप फ्रिज में रख सकते हैं।
इतना पेस्ट 15 से 20 दिन तक चल जाता है, आराम से ख़राब नहीं होता है। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें, थोड़ा तेल ज़्यादा ऐड कर दें, क्योंकि ये चीज़ें प्रिजर्वेटिव का काम करती हैं और इसे ख़राब होने नहीं देती। लेकिन उतना ही सॉल्ट और ऑयल फिर अपने मील्स में कम यूज़ करें। नेक्स्ट इज़ ग्रीन चिली पेस्ट। मैं ग्रीन चिलीज़ को वॉश करके यूं ही ड्राई करके स्टोर कर लेती हूं, लेकिन बिगिनर्स अगर इसका पेस्ट बना के रखते हैं तो उनके लिए काम करना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। इनकी डंडियां तोड़ देने के बाद अच्छे से इनको वॉश कर लेना है और मसलिन क्लॉथ पे इनको ड्राई कर लेना है। उसके बाद ग्राइंडर जार में डाल के सिंपली इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल भी ऐड करेंगे ताकि ये ख़राब ना हो, और इसे भी जिंजर गार्लिक पेस्ट की तरह हमने ग्लास जार में ही फिल करना है। इसमें भी वही मेथड काम करता है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दें और तेल थोड़ा ज़्यादा डाल दें। लेकिन इसी तरह से बना सकते हैं अगर आप 1 वीक और 10 डेज़ के लिए बना रहे हैं तो। नेक्स्ट इज़ हाउ टू मेक पुदीना चटनी और यू कैन से हरी चटनी। पुदीना चटनी की रेसिपी आप मेरे व्लॉग्स में भी देख चुके हैं, लेकिन चलिए एक बार फिर से देखते हैं। इक्वल क्वांटिटी में पुदीना और धनिया लेंगे और उसके बाद उसमें डालेंगे हरी मिर्च और अदरक, प्याज डाला है कटा हुआ, जीरा और सॉल्ट ऐड किया है, साथ ही डाल दिया है 3 नींबू का जूस, थोड़ा सा पानी डाला है और इसे ग्राइंड कर लेंगे। चटनी रेडी हो जाएगी। इसे कभी अपने फ्रिज से ख़त्म होने ना दें, जैसे ही ख़त्म हो दोबारा बना लें। मैं भी ऐसा ही करती हूँ क्योंकि ये हमारे मील्स को डाइजेस्ट करने में काफ़ी हेल्प करती है। चलिए अब देखते हैं हाउ टू स्टोर सम ग्रीन्स। कुछ ग्रीन लीव्स जो हमारी किचन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमेशा हमारी किचन की रिक्वायरमेंट रहते हैं, जिसमें से धनिया बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन अगर इसे राइट वे में स्टोर ना किया जाए तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब भी हो जाता है। इसकी रूट्स को काट के अलग कर लेना है और इसे 2 से 3 बार साफ पानी में अच्छे से वॉश कर लेना है, और इसके बाद किसी कपड़े पे इसे अच्छे से फैला के ड्राई करेंगे। बिल्कुल भी पानी इसमें रहना नहीं चाहिए। और इसी तरह से आप पुदीना और कड़ी पत्ता को भी वॉश करके ड्राई करके स्टोर कर सकते हैं। ये ग्रीन लीव्स हमेशा ही हमारे खाने के टेस्ट को बढ़ाते हैं, तो इन इस तरह स्टोर करें इनकी फ्रेग्रेंस और कलर दोनों ही चेंज ना हो। और ग्रीन चिलीज़ को स्टोर करने से पहले उनकी डंडियां तोड़ लें, अच्छे से उनको वॉश करें और उसके बाद उनको ड्राई करने के लिए रखें। इन चीज़ों का पानी जब अच्छे से सूख जाए तो उसके बाद हम इन्हें किसी कंटेनर में स्टोर करेंगे। करने के लिए हम किचन पेपर का यूज़ करेंगे कि बंद कंटेनर की वजह से अगर मॉइस्चर बनता भी है तो किचन पेपर उस मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रीन लीव्स को बिल्कुल ड्राई ही रखता है, और इस वजह से 10 से 15 दिन तक ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। अगर आपने अपने किचन गार्डन में इन सब चीज़ों के प्लांट्स लगा रखे हैं तब तो आपको इनको स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप फ्रेश तोड़ के लेके आएँ और फ्रेश का ही यूज़ करें। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को मार्केट से बाय करके लेके आते हैं तो यही बेस्ट वे है इनको स्टोर करने का। ग्रीन चिलीज़ को भी आप इसी तरह से किसी प्लास्टिक के कंटेनर में या फिर किसी ग्लास कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। पेपर नैपकिन का खास ख्याल रखें कि अगर बॉटल में मॉइस्चर बनेगा तो चिलीज़ डेफिनेटली ख़राब हो जाएंगी। लास्ट टिप इज हाउ टू रिफ्रेश ओल्ड चपातीज। कभी कभार चपातीज का बच जाना बहुत ही ऑब्वियस है, लेकिन इन्हें रिफ्रेश करके भी खाया जा सकता है। तो कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं, उसके 2 वेज हैं। फर्स्ट वे है कि अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो किसी क्लॉथ नैपकिन में इसे फोल्ड करके हाई पावर पे 1 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव करें तो आपकी चपातियाँ बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी। इस तरह गर्म करने से कोई आइडिया नहीं लगा सकता कि ये चपातियाँ ओल्ड हैं या फ्रेश, लेकिन इन्हें सर्व करने के जस्ट पहले ही गर्म करें और इमीडिएटली सर्व कर दें। चपातियों को रिफ्रेश करने का एक तरीका और भी है जिसमें माइक्रोवेव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे आप प्रेशर कुकर में कर सकते हैं। तो मसलिन क्लॉथ में मैंने चपातियों को फोल्ड कर लिया है, साथ ही प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाला है। कोई भी एक बर्तन आप नीचे रख सकते हैं और उसके ऊपर रखेंगे हम प्लेट, साथ ही रख देंगे वो सारी चपातियाँ, और प्रेशर कुकर की लिड हम लगा देंगे विदाउट विसल, और जैसे ही स्टीम बनने लगेगी हम प्रेशर कुकर की लिड हटा देंगे और चपातियाँ खोल के देखेंगे तो बहुत ही फ्रेश चपातियाँ आपके सामने होंगी। आप इन्हें इमीडिएटली सर्व करें और इन्जॉय करें। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, जिस पानी में हमने पालक और मटर को बॉयल किया है उस पानी को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उस पानी को आप प्लांट्स को दें, वो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।